दोस्तों भोले भंडारे, आज दिनांक 15 जून 2023 है। आज की देववाणी जनवाणी मंगलवाणी मैं ईश्वर अल्लाह गॉड वाहेगुरु बुद्धम महावतार बाबा जी को नमन करता हूँ। ईश्वर तू सबका भला कर, ईश्वर तू सबका भला कर। आज का वीडियो है एक अदूरदर्शी राजा सबके बुरे दिन ला रहा, एक अदूरदर्शी राजा सबके बुरे दिन ला रहा। क्या ला रहा? सिविल वार। एक अदूरदर्शी राजा सबके बुरे दिन ला रहा। क्या ला रहा? सिविल वार भारत में। देखो, दूसरी प्रकार की जो तकलीफें हैं वे तो सारे ग्लोब की जैसी भारत को भी होंगी, लेकिन भारत के लिए विशेष तकलीफ वाली बात, भारत का राजा भारत के लिए सिविल वार ला रहा, अर्धदूरदर्शी राजा। और यह सिविल वार ये भारत का राजा ही नहीं ला रहा, उसके फंडर सपोर्टर्स ला रहे, उसकी पूरी लॉबी ला रहा, लॉबी ला रही। भाई क्यों ला रही? ये है क्यों ला रहा, कब ला रहा और क्या होगा, क्या इसके प्लस माइनस होंगे, किसके जो बुरे दिन आ रहे हैं। सिविल वार जो है क्यों ला रहा, चलो थोड़ा सा इस पर गौर करते हैं। वे इसलिए ला रहे कि उनको ये पता ही नहीं कि इससे बुरे दिन आ जाएंगे। राजा और उसकी लॉबी को ये पता ही नहीं कि उनके इससे बुरे दिन आ जाएंगे। वे तो ये समझते हैं कि हमारे पास सब कुछ है, इसलिए इसमें हमारा क्या बिगड़ेगा। देखिए, लेकिन उनको ये पता नहीं है कि इस झंझट में, इस तांडव में सबसे ज़्यादा नुकसान उन्हीं को होगा, सबसे ज़्यादा नुकसान उन्हीं को होगा। भाई उन्हीं को कैसे होगा? उन्हीं के पास पैसा, उन्हीं के पास पुलिस, उन्हीं के पास मिलिट्री, उन्हीं के पास तिकड़म, उन्हीं के पास यह वह। तो सुन लो दोस्तों, जब सिविल वार होगा तो ये सारी चीज़ फेल हो जानी है, कि ये सिस्टम फेल हो जाने का है, ये पुलिस और मिलिट्री फेल हो जाने की है, ये बट जाएगी, मशीनरी काम नहीं करने की, और उस समय क्या काम करेगा। अब देखिए, राजाओं के पास क्या है या रूलर ग्रुप के पास क्या है कि भाई कोर्ट हमारे, मीडिया हमारे, सिस्टम हमारा, मिलिट्री हमारी, पुलिस हमारी, लोग हमारे। लेकिन ये सिविल वार होने से उनको नुकसान कैसे होगा, इसको आप समझिए। कि उस समय कोर्ट की, मिलिट्री की, पुलिस की और धन की, फैक्ट्रियों की, इनकी कुछ नहीं चलेगी। उस समय क्या चलेगी? उस समय चलेगी सिर्फ मैन पावर। जिसके ज़्यादा आदमी होंगे वह जीतेगा, जिसके ज़्यादा आदमी हो गया होंगे वह जीतेगा। और अब देखिए हुआ क्या है, इस किसान आंदोलन ने, इस पहलवान आंदोलन ने, जो राजाओं की पावर पूरी ये होती थी पूरी, उसको आधा भी नहीं छोड़ा। जो पूरी होती थी उसको आधा भी नहीं छोड़ा, और दूसरे जो आधा टुकड़ा अलग हुआ वह एंटी हो गया। इसलिए उनको ये पता नहीं है कि इसका क्या अर्थ होगा। वे तो समझ ये रहे हैं कि हमको इससे फायदा ही होगा, क्योंकि हमारे पास सब कुछ, और अब तो NWO और हमारी तरफ आ गया। और देखिए,
और एक मेन कारण देखिए कि भारत के जो रूलर हैं, देखो ये कड़वी सी बात मैं बोल देता हूँ कभी कभी, लेकिन इसका आधार समझिए, इनमें कोई अदूरदर्शिता नहीं, ये पॉलिटिक्स को नहीं जानते, ये मनोविज्ञान को नहीं जानते, ये सामाजिक विज्ञान को नहीं जानते। सुन लीजिए मैं क्या कह रहा हूँ, हमारे जो रूलर ग्रुप है या जो शासक वर्ग है वह क्या है, समाज विज्ञान को नहीं जानते, मनोविज्ञान को नहीं जानते, वे राजनीति विज्ञान को नहीं जानते। तुम कहोगे कि भाई ये कैसे राजनीति, ये कैसे नहीं जानते, तभी तो राज कर रहे हैं। ये मनोविज्ञान, समाज विज्ञान, राजनीति विज्ञान को जानने से राज नहीं कर रहे, ये इसलिए राज कर रहे हैं कि भारत की प्रजा भेड़ बकरी है और इसके लिए जिम्मेवार रहा है भारत का पुराना मनोवाद सिस्टम, इतने एनोमली से भरा हुआ सिस्टम। इसलिए भारत के शासकों में, शारीरिक ताकत, मानसिक ताकत, पॉलिटिकल नॉलेज, मनोविज्ञान, समाज विज्ञान, इसका ज्ञान पैदा ही नहीं हुआ। ये समझ रहे हैं कि हम क्या भप्पल हैं, ये समझ लो, लेकिन ये बहुत मार खाएंगे भाई साहब, इसलिए कि हजारों साल के ऐसा आराम ने बिना कंपटीशन की दुनिया में जीने से ये लोग बहुत कमज़ोर हो गए और ये सिविल वार का झटका दो दिन नहीं झेलने वाले। ये देखो मैं एक एनालिस्ट हूँ, मैं किसी का प्लस माइनस नहीं कर रहा, मैं तो एक संपूर्ण एक एनालिसिस कर रहा हूँ। ये समझते हैं कि देखो आरएसएस की कितनी ताकत है, हथियार लेकर लठ लेकर क्या घूम रहे हैं। एक दिन का सिविल वार नहीं झेलने वाले भारत के शासक वर्ग है, ये समझ लो, और कचुम्बर निकल जाने वाला है। और अब इस समय जबकि 15% बड़े किसान, जमींदार, अजगर, जो कि सर्वहारा वर्ग को, निम्न वर्ग को रोके हुए थे, वो पहले ही इनसे दूर ही नहीं हो गए, इनके एंटी हो गए। इन लोगों को बड़ा ध्यान रखना चाहिए क्योंकि ये कहीं टिकेंगे नहीं। कब ला रहा बुरे दिन जल्दी आने वाले हैं, क्या होगा इसके बारे में आप हमारे ये सुनिए थोड़ा सा, क्या होगा इसमें, नेगेटिव और पॉजिटिव क्या एस्पेक्ट आएंगे, इसका फायदा नुकसान क्या होगा, किसका, ये जो सिविल वार आ रहा है इसका नुकसान तो नुकसान ही है सबके लिए, सबसे ज़्यादा धन, जन और सत्ता की हानि ए ग्रुप को होगी। अब देखो इसमें से चार ग्रुप हमने बना लिए, ए बी सी डी, इसका आप ले लेना स्क्रीनशॉट या जो भी है। इसके ए ग्रुप क्या है कि टॉप 10-15% ये क्या है कि धन में भी टॉप हैं, समाज के में भी टॉप हैं, धार्मिक तरह से भी टॉप हैं, शिक्षा की तरह से भी टॉप हैं, और ये पैटर्न एक साथ चलता है जातिवाद की वजह से। बी नेक्स्ट 10-15% इसमें क्या है, अजगर आते हैं, हायर ओबीसी। नेक्स्ट ये जो आपने दिखा रखा ये वाला, और लोअर ओबीसी इसमें 40% लोग आते हैं, आर्टिजन है, छोटे किसान हैं जो गुजर बसर करते हैं, मेहनत मजदूरी करते हैं, और डी जो है ये SC ST खानाबदोश लोस्ट ग्रुप का, यही इसमें देखिए सबसे ज़्यादा धन, जन, सत्ता की हानि एक को होगी, इस ग्रुप को होगी, ये 10-15%। दो और दूसरा दो सुनिए, सभी वर्ग तबाह हो जाएंगे, लेकिन सबसे तबाह टॉप वर्ग होगा, लिख लो। तीसरा नंबर सुनिए, ए यानी टॉप 10-15% वाले शासन करना भूल जाएंगे। अगर सिविल वार हुआ, ऐसा नहीं, सिविल वार तो होना है, ए यानी टॉप 15% ये लोग हैं, ये जो है
शासन करना भूल जाएंगे। आगे कितने ही दिनों तक ये नहीं कहेंगे कि हमें शासन करना है। चार नंबर देखिए, इसमें इसका नेगेटिव एस्पेक्ट क्या होगा, सारे मंदिर तबाह हो जाएंगे। अब ये क्यों हो जाएंगे, इसके लंबे चौड़े एक्सप्लेनेशन है, हम देते रहते हैं। सारे मंदिर तबाह हो जाने वाले हैं सिविल वार में, इसका मैं अलग से कभी बोलूँगा और बोलता रहता हूँ। सबसे भयानक बात इसकी होगी पाँच और छः, देखिए मंदिर वाले और मार्केट वाले तबाह हो जाएंगे। क्यों हो जाएंगे, वही हमने बताया कि इसमें मीडिया काम नहीं आने का, इसमें जजेज काम नहीं आने के, इसमें राष्ट्रपति प्रधानमंत्री काम नहीं आने वाले, इसमें धन काम नहीं आने वाले, इसमें फैक्ट्रियां काम नहीं आने वाले। मारो मारो पकड़ो पकड़ो सिविल वार में, जो जनशक्ति काम देगी, जनशक्ति में ये हारेंगे और अजगर के अलग होने से तो बिल्कुल ही हार गए। मैं ये सबसे इसलिए लिख रहा हूँ कि सबकी आँखें खुले हैं, सब लोग समझ से सुधर जाएं। ये मार से नहीं सुधरे हैं, मार बहुत बुरी आने वाली है। सात नंबर देखिए, सी और डी ये बेचारे पहले ही मरे पड़े हैं, ये अब भी थोड़ा बहुत नुकसान होगा लेकिन जनधन में इनको नुकसान बहुत कम होगा। क्यों कि धन तो इनके पास है ही कहाँ, कहाँ कोई ले क्या जाएगा, लूट इनकी थोड़ी होगी। जन का जहाँ तक है, दूर दूर छितरे हुए गरीब लोग, इनको जनहानि भी कम उठानी पड़ेगी। जनहानि सबसे ज़्यादा किनको उठानी पड़ेगी, जिनके पास धन है, क्योंकि ऐसी अवस्था में लोग धनवानों की को लूटने के लिए बढ़ेंगे और धन भी लूटा जाएगा और जीवन भी लूटा जाएगा। इसलिए दोस्तों देख लो, अभी से परिस्थितियाँ बनिए, बहुत पहले से बन रही हैं। इसके पॉजिटिव इफेक्ट क्या होंगे, इसके फ़ायदे क्या होंगे सिविल वार के, इसके फ़ायदे क्या होंगे किसी के समझ में आता या नहीं आता, लेकिन ऐसा ही होने वाला है। विकास के दरवाजे सभी के लिए खुल जाएंगे उसके बाद, भाई अब कैसे खुल जाएंगे ये फिर लंबा चौड़ा डिस्कशन है। विकास के दरवाजे सभी के लिए खुल जाएंगे, क्यों खुल जाएंगे, क्योंकि लोग अपने धन की निसारता को समझ लेंगे। कुछ नहीं रखा, यह जो भी साधन है सबके हैं, सबकी ज़मीन है, सबकी दुकान है, सबको खाने पीने का अधिकार है, सबको शिक्षा, सबको स्वास्थ्य मिलना चाहिए। ऐसे नहीं कि प्रिविलेज्ड ग्रुप ही फायदा उठाए, विकास के दरवाजा सभी के लिए खुलेंगे। टॉप 10% शासन करना ही भूल जाएंगे, पॉजिटिव इफेक्ट। एक वर्ग जो टॉप 10% है ये शासन करना ही भूल जाएंगे। तीसरे नंबर देखिए, तब सारे लोग ग्रेट इंडिया डॉक्यूमेंट की तरफ दौड़ेंगे, वही ग्रेट इंडिया डॉक्यूमेंट जो मिशन ग्रेट इंडिया का आधार है, जो यह है जो हमारा वही इनमें है, छोटे से पंपलेट में है, सारे मिशन ग्रेट इंडिया की तरफ उसका डॉक्यूमेंट लेने के लिए दौड़ेंगे, क्योंकि देश का बचाव ही इससे होगा। इसके पॉइंट से इस तरह से परमात्मा ने, महावतार बाबा जी ने डिजाइन करवाए हैं कि जिनका भी रक्षा होनी है अपनी अपनी किस्मत के अनुसार, इसी से होगा। इसलिए मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, संविधान की कॉपियां जलाने वालों, सुन लो, ये आप संविधान की वजह से ही आप सुरक्षित हैं, सारे लोग सुरक्षित हैं। यदि संविधान नहीं रहा, अराजकता आ गई, सिविल वार आ गया, आपको पता नहीं क्या होगा, ऐसा ही होगा। और आप सही पूछें तो ये सारा प्रोसेस है जो ये हेट्रोजीनियस से भगवान होमोजीनियस बनाने के लिए सोसाइटी को ये कर रहा है, क्योंकि लोग समझ से मान ही नहीं रहे, कानून से मान ही नहीं रहे। लूट मची हुई है देश में, लूट मची हुई है, काय का लूट देखना तो सही, सारी लूट निकल जाने वाली है। और सब चिल्लाने वाले हैं, अपनों को खोने के बाद चिल्लाने वाले हैं, अरे ऐसे पैसे का क्या करना, ऐसी सत्ता का क्या करना, हमें नहीं चाहिए, हमें तो इतना सा चाहिए अपना गुजर बसर हो जाए और सबके लिए मिले, तब देश
सोने की चिड़िया बनेगा तब देश महान भारत बनेगा। इस मिशन ग्रेट इंडिया के ग्रेट इंडिया डॉक्यूमेंट को फॉलो करने के बाद ऐसा ही होगा। आज इतना ही। जय हिंद, जय भारत।